हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल और मैं हूं शादाब आलम। तो दोस्तों, ये आपकी उर्दू पैडागोजी फॉर सीटेट यानी कि सीटेट की जो उर्दू पैडागोजी है उसकी आज ये थर्ड क्लास है। तो इसकी दो क्लासेस जो हम पहले कर चुके हैं वो आपने देख ली होंगी, और जो लोग नहीं देख पाए हैं किसी भी कारण से मिस हो गई है तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट आपकी बनी हुई है उर्दू पैडागोजी फॉर सीटेट के नाम से, तो उसमें आपको प्रीवियस वीडियोज मिल जाएंगी। तो बेहतरीन वीडियोज हैं और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी मीनिंग के साथ। तो इसको आप फॉलो करें जिससे कि आपकी तैयारी बेस्ट हो पाए, क्योंकि आपको जो है उर्दू पैडागोजी की, आप भी जानते हैं कि बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं आजकल मार्केट में, तो इसलिए हमने इसको ढूंढा है और बहुत अच्छे प्रश्न जो है, क्वेश्चन सवाल आपके लिए तैयार किए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो लोग भी नए हैं अभी चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे चैनल पर जो है सीटेट की पूरी प्रिपरेशन चल रही है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप विजिट करें, चेक करें, प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी, तो वहां पे जाके आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला आज का सवाल रहेगा आपके सामने, सवाल नंबर एक है, तदरीस जबान के मौसर सबक का आगाज, फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका किसी दिलचस्प सरगर्मी के जरिए तहरीक देने और साबिका मालूमात से होता है, और दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे तख्ते से यहाँ पर लिखने से होता है, तीसरा ऑप्शन है सबक के मकासिद की फहरस्त मरतब करने से होता है, और फोर्थ ऑप्शन है आपका यहाँ पे सबक के मुआद की पेशकश से होता है। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और उससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो आप बिल्कुल अपना आंसर लिखें कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, आगे चलेंगे। तो चलिए जल्दी से सभी लोग अपना आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन होता है आपका राइट, फर्स्ट ऑप्शन, किसी दिलचस्प सरगर्मी के जरिए तहरीक देने और साबिका मालूमात से होता है। इसमें पूछ रहा है एक तदरीस जबान यानी कि जबान का शिक्षण यानी कि भाषा का शिक्षण जो है वो आपका किससे अच्छा होता है, मतलब मौसर सबक का मतलब है आपका अच्छा यानी कि कुशल। तो तदरीस यानी कि जो आपकी भाषा शिक्षण का कोई सबक है तो उसकी शुरुआत जो है एक अच्छे सबक की शुरुआत किस चीज से होनी चाहिए, तो किसी दिलचस्प गतिविधि, सरगर्मी का मतलब होता है आपका एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, तो किसी दिलचस्प सरगर्मी के जरिए से हो, तहरीक देते हुए और साबिक मालूमात से होना चाहिए ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले सकें और रुचि पैदा हो बच्चों के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होता है, और चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका प्रश्न है सवाल नंबर दो, तदार की तदरीस क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे जहीन तलबा को मजीद आगे बढ़ाना, सेकंड ऑप्शन है आपका यहाँ पे निसाब से आगे बढ़ाना, थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पे अजाफी तदरीस, और फोर्थ ऑप्शन है आमोजश में रह जाने वाली कमियों को तलाश करना और दूर करना। तो चलिए आंसर कीजिए यहाँ पे कौन सा आंसर आपका राइट होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर फोर होता है यहाँ पे राइट, तदार की तदरीस का मतलब ये होता है आपका कि आमोजश में होने वाली जो आपकी रह जाने वाली जो कमियां हैं और जो उनकी जो त्रुटियां मतलब बच्चों की रह जाती हैं उनको आप सुधारेंगे और उनको तलाश करके उनको दूर करेंगे। बाकी पहले में बोल रहा है, पहले ऑप्शन में आपका मजीद आगे बढ़ाना यानी कि आप जो है उसको आगे बढ़ाएंगे जो तेज बुद्धिमान बच्चे हैं, निसाब से आगे बढ़ने का मतलब यह है, निसाब का मतलब होता है आपका पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम से आगे बढ़ाना मतलब नहीं है। इजाफे तदरीस का मतलब आपका हुआ कि अतिरिक्त शिक्षण आप उनको पेश कर रहे हैं, तो वो भी आपका जरूरी नहीं है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट होता है, और चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है सवाल नंबर तीन आपका, किसी फर्द में तब साइंस मौसीकी वगैरह की महारत की मखसूस सलाहियत की दरियाफ्त और जांच का इम्तिहान क्या कहलाता है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका फितरी सलाहियत का इम्तिहान, दूसरा ऑप्शन है आपका कारकर्दगी का इम्तिहान, थर्ड है आपका ऑप्शन यहाँ पे काबिलियत का इम्तिहान, और फोर्थ ऑप्शन है आपका जहनी रवैये का इम्तिहान। तो चलिए आंसर कीजिए कौन सा आंसर यहाँ पे आपका राइट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है राइट, आपका यहाँ पे कारकर्दगी का इम्तिहान, यानी कि कहने का मतलब ये है किसी फर्द में तब साइंस मौसीकी का मतलब ये होता है आपका तब साइंस होता है आपका चिकित्सा विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, और मौसीकी होता है आपका संगीत, तो संगीत वगैरह में चिकित्सा विज्ञान वगैरह इस तरह के जो कौशलात्मक जो चीजें हैं उसकी महारत की मखसूस सलाहियत की दरियाफ्त और जाँच का इम्तिहान क्या कहलाएगा आपका, कारकर्दगी यानी कि परफॉर्मेंस, यानी कि आपका जो है जो आपकी परफॉर्मेंस है जो आपके ये कहेंगे जो बच्चा प्रस्तुत करता है उसका प्रदर्शन जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पे होता है, तो सेकंड ऑप्शन आपका होता है यहाँ पे राइट, और चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट आपका प्रश्न है यहाँ पे सवाल नंबर 4 है, जबान सीखने के लिए अहम है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जबान के अलग अलग शक्लों के इस्तेमाल, सेकंड ऑप्शन है आपका जबान के कवायद, तीसरा ऑप्शन है आपका किताबें और फोर्थ ऑप्शन है आपका जबान की तदरीस। तो चलिए आंसर लिखिए अपना, यहाँ पे आपका आंसर जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है आपका राइट, जबान सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या है, अहम क्या है। तो सबसे जरूरी होता है आपका जबान के अलग अलग शक्लों का इस्तेमाल, यानी कि भाषा के विभिन्न रूपों का, अलग अलग रूपों का इस्तेमाल करना। दूसरे ऑप्शन में बोल रहा है आपके जबान के कवायद, यानी कि जो आपका व्याकरण होता है उसको कवायद बोलते हैं उर्दू में, तो जबान की व्याकरण। तीसरा है किताबें और चौथा है आपका जबान की तदरीस, यानी कि जबान का शिक्षण, भाषा शिक्षण। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होता है, जबान के अलग अलग शक्लों का इस्तेमाल। आगे आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्राइमरी लेवल पर जबान सिखाने से क्या मुराद है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जबान के साइंटिफिक नुक्तों को बताना, दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे जबान के कवायद सिखाना, तीसरा ऑप्शन है अदब की तालीम देना और फोर्थ ऑप्शन है आपका जबान का इस्तेमाल सिखाना। तो चलिए आंसर कीजिए यहाँ पे कौन सा आंसर आपका राइट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ होता है आपका राइट, जबान का इस्तेमाल सिखाना। तो ये हम हिंदी में भी जो है, जब हम हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस कर रहे थे, क्लास कर रहे थे, उसमें भी बहुत बार ये चीजें आती है। तो सबसे जरूरी जो प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर होता है, वो आपका भाषा का प्रयोग सिखाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि जबान का इस्तेमाल सिखाना। बाकी आपका साइंटिफिक नुक्तों का कोई जरूरत नहीं होती, यानी कि आप जो है वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता प्राइमरी स्तर पर। और कवायद व्याकरण, तो आपका कवायद यानी कि व्याकरण, तो व्याकरण तो बिल्कुल सिखाया ही नहीं जाता प्राइमरी स्तर पर, जरूरत नहीं होती। और अदब की तालीम देना, यानी कि जो आपका साहित्य जिसको हम बोलते हैं उसकी शिक्षा देना, तो यहां पे फोर्थ ऑप्शन आपका ज्यादा एप्रोप्रिएट है प्राइमरी हिसाब से, प्राइमरी लेवल के हिसाब से। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, जबान सिखाने में वाइगोत्स्की ने किसको सबसे अहम माना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे जबान की किताबों को, दूसरा ऑप्शन है माशरे में इस्तेमाल होने वाली जबान को, तीसरा है घर में बोली जाने वाली जबान को और फोर्थ ऑप्शन है आपका यहाँ पे क्लासरूम में बोली जाने वाली जबान को। तो चलिए लिखिए आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या राइट होगा, अपना आंसर दें सब लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड होता है आपका राइट, मुआशरे में बोले इस्तेमाल होने वाली जबान को। मुआशरे का मतलब होता है आपका जो समाज है, तो आपके समाज में जो भाषा प्रयोग होती है वो सबसे ज्यादा अहम होती है और सबसे ज्यादा जरूरी होती है बच्चों को भाषा सिखाने में। तो वाइगोत्स्की ने यही कहा है आपका कि समाज में जो भाषा बोली जाती है वो सबसे ज्यादा अहम होती है, ना कि किताबें और ना घर पर बोले जाने में, ना क्लासरूम में बोली जाने वाली। तो सेकेंड ऑप्शन होता है राइट। और चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है सवाल नंबर 7, मंदरजा जेल में से कौन सा कॉल चॉम्स्की का है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों में जबान सीखने की पैदाइशी काबिलियत होती है, सेकंड ऑप्शन है बच्चों में जबान सीखने की पैदाइशी काबिलियत नहीं होती है, थर्ड ऑप्शन है बच्चों में जबान सीखने की काबिलियत बहुत कम होती है और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को कवायद सिखाना जरूरी है। तो चलिए आंसर लिखिए यहाँ पे कौन सा आंसर आपका राइट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट होता है आपका फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों में जबान सीखने की पैदाइशी काबिलियत होती है। ये कॉल या ये कथन जो है चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है, ये जो कथन है आपका चॉम्स्की का है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, तालीम का एक अहम मकसद क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है शख्सियत साजी करना, दूसरा ऑप्शन है आपका अगले दर्जे में दाखिला, तीसरा ऑप्शन है इम्तिहान की सनद लाना और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर लिखिए आपके आंसर यहाँ पे आपका राइट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट हो जाता है आपका पहला ऑप्शन, शख्सियत साजी करना। तालीम का यानी कि शिक्षा का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य होता है, तो शख्सियत साजी होता है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसको हम बोलते हैं व्यक्तित्व विकास करना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा, शख्सियत साजी करना। और चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका दिलचस्पी से क्या मतलब है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे बेतवज्जही, दूसरा ऑप्शन है किसी काम से ताल्लुक होना, तीसरा है आपका बेरुखी और बेजारी और फोर्थ ऑप्शन है किसी काम से लगाव होना और उसे करने में जहनी लुत्फ हासिल करना। तो चलिए आंसर कीजिए आपके आंसर होगा आपका यहाँ पे राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर राइट हो जाता है आपका फोर्थ ऑप्शन, किसी काम से लगाव होना और उसे करने में जहनी लुत्फ, यानी कि दिमागी मजा इस्तेमाल करना या आनंद लेना, ये कह सकते हैं मानसिक रूप से आनंद उठाना, वो यहाँ पे मतलब है। दिलचस्पी का मतलब होता है आपका रुचि, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। तो रुचि का मतलब यही है कि किसी काम में आप लगाव है किसी चीज में और उस काम को करने में आपको मजा आता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट आपका प्रश्न है, करना कैसे जहन की अलामत है, यानी कि डूइंग जो है, जो करना कौशल है आपका, वो कैसे कैसे दिमाग की अलामत यानी कि निशानी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका गैर सेहतमंद जहन की, दूसरा है सेहतमंद जहन की, तीसरा है बीमार जहन की, और फोर्थ ऑप्शन है मदरजा बाला सभी। तो चलिए आंसर लिखिए यहाँ पे, कौन सा आंसर आपका राइट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट होता है आपका सेकंड ऑप्शन, सेहतमंद जहन की यानी कि स्वस्थ मस्तिष्क की एक निशानी है। तो बिल्कुल यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है आपका, सवाल है। और चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बच्चे को सोते वक्त नहीं सुनाई जाए तो इनमें जो है आपको कहानी दी है, कौन कौन सी कहानियां दी है, तो कौन सी कहानी नहीं सुनानी चाहिए बच्चे को। फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे अखलाकी कहानियां, दूसरा ऑप्शन है आपका राजा रानी की कहानियां, तीसरा ऑप्शन है डरावनी कहानियां, और फोर्थ ऑप्शन आपका प्यार मोहब्बत की कहानी। तो चलिए आंसर लिखिए यहाँ पे, कौन सा आंसर आपका राइट होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हो जाता है आपका राइट, डरावनी कहानियां जो है बच्चे को नहीं सुनानी चाहिए सोते वक्त, उससे उसका इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संज्ञात्मक विकास पे इफेक्टेड हो सकता है और बच्चे को डर भी लग सकता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होता है राइट। और चलते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट आपका प्रश्न है यहाँ पे, बच्चों में जखीरा अंदाजी का शौक होता है, फर्स्ट ऑप्शन है फितरी, दूसरा है गैर फितरी, तीसरा ऑप्शन है आपका बनावटी, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर लिखिए यहाँ पे, कौन सा आंसर आपका राइट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर राइट हो जाता है आपका पहला, बच्चों में जखीरा अंदाजी का शौक जो होता है वो फितरी होता है। और जखीरा अंदाज का मतलब ये होता है संग्रहण क्षमता, जिसको हम बोलते हैं ग्रहणात्मक जो कौशल होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये फितरी होता है यानी कि बच्चे के अंदर जन्मजात होता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। और चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है यहाँ पे, जमात में पहले दिन आप एक मदरिस की हैसियत से क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे, चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखेंगे, दूसरा ऑप्शन है निसाब की तशरी करेंगे, और थर्ड ऑप्शन है आपका जमात पर रौब बनाने की कोशिश करेंगे, और फोर्थ ऑप्शन है आपका खुद का तारुफ करेंगे, और फिर तलबा के तारुफ हासिल करेंगे। तो चलिए आंसर कीजिए यहाँ पे, आप पहले दिन जो है किसी भी क्लास में जाते हैं तो आप एक टीचर के रूप में, एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन होता है आपका फोर्थ राइट, खुद का तारुफ करेंगे यानी कि अपना इंट्रोडक्शन देंगे आप, जो आप अपना परिचय देंगे, और उसके बाद तलीबा का यानी कि बच्चों का इंट्रोडक्शन लेंगे आप उनसे। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका ज्यादा एप्रोप्रिएट है। बाकी तो ऊपर वाले निसाब की तशरीह करेंगे यानी कि आप पाठ्यक्रम की व्याख्या कर रहे हैं, और जमात पर रोब बनाने की कोशिश कर रहे हैं यानी कि क्लास पर आप जो है अपना अनुशासन, अपना ये कह सकते हैं कि वहां पे रोब जमाने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होता है राइट। और चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है यहाँ पे, मदरिस और सरप्रस्त तंजीमों की खास जरूरत होती है, किस लिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे आपका पुर असर इंतजामिया के लिए, दूसरा ऑप्शन है मौलिमीन की मसाइल को हल करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है मुतालिका सोबा के शहर तालीमी तंजीम के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है हुसैल इल्म के अमल में इस्लाह के लिए। तो चलिए आंसर कीजिए यहाँ पे, कौन सा आंसर आपका राइट होगा। चलिए, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होता है राइट आपका, हुसूल इल्म के अमल में इस्लाह के लिए, यानी कि तालीम को किस तरह से जो है बढ़ाया जाए और किस तरह से हासिल किया जाए उसके अमल में जो है एडवाइस देने के लिए, या इस्लाह का मतलब यही आपका सलाह देने के लिए। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट होता है। और तंजीम की बात कर रहे हैं यानी कि निज़ाम जो होता है, जो आपके प्रबंधक है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं दरअसल ये। तो जैसे कि आपको जो है मौलिमीन के मसाइल यानी कि आप टीचर्स के जो है, आपके जो अध्यापक हैं उनके मसले हल कर रहे हैं, उनकी समस्याएं हल कर रहे हैं। तीसरे ऑप्शन में वो बोल रहे हैं आपसे कि मुतालिका सोबा यानी कि जो आपका संबंधित शहर है, जो आपका आसपास का, उसके बारे में जो है तालीमी तंजीम आप कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होता है। और चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका, बच्चों के नशोनुमा के लिए क्या जरूरी है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जिस्माती सजा देना, दूसरा ऑप्शन है आपका नसीहत करना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों के लिए प्यार का माहौल पैदा करना, और फोर्थ ऑप्शन है आपका थोड़ी सी भी गलती पर जुर्माना लगाना। तो चलिए आंसर कीजिए यहाँ पे, कौन सा आंसर आपका राइट होगा।
जी हाँ, तो यहाँ पे आंसर राइट हो जाता है आपका तीसरा ऑप्शन, बच्चों के लिए प्यार का माहौल पैदा करना। नशोनुमा का मतलब होता है आपका विकास, जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो बच्चे के विकास के लिए क्या जरूरी होगा, ये जरूरी होगा कि आप बच्चे के लिए जो है एक सकारात्मक संवेगात्मक जो है माहौल पैदा करते हैं बच्चे क्लास में, और बच्चों के लिए प्यार का माहौल आप पैदा करेंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा, उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल तीसरा ऑप्शन हो जाता है राइट। और फ्रेंड्स आगे आपके जो है कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हैं यहाँ पे, अल्फाज मायने जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे, जो इसके अंदर आए हैं, जो कठिन है आपको जानना जरूरी है, तो आप इनको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। मौसर का मतलब होता है कुशल यानी अच्छा, सरगर्मी होती है आपकी गतिविधि एक्टिविटी, और फहरसत का मतलब होता है सूची, और मरतब का मतलब होता है संकलित करना, और आपका मजीद का मतलब हुआ अधिक, और निसाब कहते हैं पाठ्यक्रम को, करिकुलम को, इजाफे तदरीस बोलते हैं अतिरिक्त शिक्षण, एडिशनल टीचिंग इसको हम बोलते हैं, और आपका आमोजश हो गया आपका भावना, और तब साइंस होता है आपका चिकित्सा विज्ञान, मौसीकी होता है आपका संगीत, और आपका जो है मुआद होता है सामग्री। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना काफी है, पूरे 15 क्वेश्चन हमने किए हैं, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करें यार, और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। आप सभी लोग जानते हैं कि उर्दू की किताबें अवेलेबल नहीं है, उर्दू की क्लासेस अवेलेबल नहीं है, बहुत कम मटेरियल मिल पाता है, तो जैसे कि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं उर्दू के लिए, तो भाई ये आपका फर्ज बनता है, अगर आप भी उर्दू पढ़ते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने भाइयों की अपने दोस्तों की मदद करें। तो बिल्कुल इतना ज्यादा शेयर करो ताकि सभी लोगों तक पहुंच जाए ये चीजें और सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। तो भाई मदद करते रहो सबकी, शेयर करते रहो ज्यादा से ज्यादा, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आजकल जो हमारी हाउ टू पैडागोजी वाली वीडियोज आ रही है वो जरूर देखें आप, उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक वीडियो के अंदर पूरी पूरी पैडागोजी को कवर किया गया है। तो आप अगर यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे हाउ टू सॉल्व सीटेट पैडागोजी तो पूरी वीडियोज आपकी आ जाएंगी वहां पे, या हाउ टू सॉल्व हिंदी पैडागोजी, हाउ टू सॉल्व मैथ पैडागोजी, इस तरह से आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियोज आ जाएंगी, वहां से देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है हाउ टू सॉल्व पैडागोजी नाम से, हाउ टू और एक सीटेट गाइडर नाम से प्लेलिस्ट है आपकी, तो उनको प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। सीटेट गाइडर के अंदर आपको बहुत सारे हिंट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, सीटेट के बारे में किस तरह से पढ़ना होता है, किस तरह से सीटेट को क्रैक करना होता है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होती है, किस तरह से पढ़नी होती है, तो वो देखते रहे आप। तो चलिए फिलहाल तो इसमें इतना ही काफी है और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह लाते रहेंगे। तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और कमेंट भी जरूर करें भाई, कमेंट करके बताएं आपके लिए कितनी फायदेमंद है, कैसी लगी वीडियो। तो चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।